नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थी रियल वेल्थ है। तो दोस्तों आज बात करेंगे डेड स्किन के बारे में। देखिए, जो हमारी त्वचा होती है, जो हमारी स्किन होती है, वो धूप की वजह से, प्रदूषण की वजह से और बहुत सारे अन्य कारणों की वजह से भी डल और डार्क दिखने लगती है। आप यदि नियमित अंतराल पर खुद को चाहते हैं कि आपकी जो त्वचा है वो चमकदार बनी रहे, मृत कोशिकाएं निकलती रहें, तो इसके लिए कुछ घरेलू उपाय अपना कर डेड स्किन्स को हटा सकते हैं। देखिए, जो हमारी त्वचा है, ये इसके ऊपर जो कोशिकाएं होती हैं, हमेशा इनमें नई नई कोशिकाओं का निर्माण करती रहती है और जो पुरानी जो सेल्स होते हैं वो डेड होने लगते हैं। और यदि हम इनको प्रॉपर तरीके से ना हटाएं, हम क्या सोचते हैं कि हमने फेस वॉश कर लिया और हमारा चेहरा साफ हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये डेड स्किन जो होती है वो हमारी त्वचा पे रह जाती है और जिसकी वजह से हमारा जो त्वचा है उस पर थोड़ा सा पैचेस दिखेंगे या चेहरा डल दिखेगा। अब यदि आपका चेहरा डल दिख रहा है, पैचेस दिख रहे हैं, तो आप अपने डेड सेल्स को हटाने का प्रयास कीजिए। इसको आप नियमित रूप से एक्सफोलिएट करके अर्थात स्क्रबिंग के माध्यम से या इन डेड स्किन को हटा के कर सकते हैं। यदि आप इन्हें हटाते रहते हैं तो मुहासे और बंद पोज की जो समस्या होती है वो भी खत्म हो जाती है। जिन लोगों के बहुत ज्यादा ओपन पोज है उनके लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। फेस वॉश से धुलना एक अच्छी चीज है बाहर से आने के बाद या सुबह सुबह स्नान के बाद या रात में सोने से पहले, लेकिन स्किन पे जमी जो मृत कोशिकाएं हैं उनको हटाने के लिए थोड़ी सख्त चीज की जरूरत पड़ती है, जिसको आप स्क्रब कह सकते हैं। तो आज हम पांच ऐसे घरेलू उपाय के बारे में जानेंगे जिसे आप इजिली अपने घर में तैयार कर सकते हैं, इजिली अप्लाई कर सकते हैं, जो आपके चेहरे को, आपकी त्वचा को जवां और स्वस्थ और सुंदर बनाए रखेगा। तो उसमें सबसे पहली जो चीज होती है उसका नाम होता है ब्राउन शुगर। देखिए, ब्राउन शुगर का इस्तेमाल डेड स्किन हटाने के लिए किया जाता है। ब्राउन शुगर में आप नारियल के तेल को मिला लें और इसको त्वचा पे हल्के हाथ से स्क्रब करें और फिर आप पानी से वॉश कर लें। ये जो बैग है ये आप अपनी पूरी बॉडी पे यूज कर सकते हो, पूरी बॉडी के डेड स्किन को हटाने में बहुत फायदेमंद होता है। अब बात करते हैं कि कितनी बार इसे यूज कर सकते हैं। इस स्क्रब का प्रयोग आप हफ्ते में दो बार करें और खासकर अपनी बॉडी के वो हिस्से जैसे कि आपकी कोहनी, आपके जो घुटने होते हैं, इसके अलावा आपकी जो एड़ियां होती हैं जहां पर बहुत ज्यादा कालापन आ जाता है, वहां पे इसका अच्छे ढंग से प्रयोग करें। आप इसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी मिला सकते हैं, आपकी त्वचा बिल्कुल चमकदार और खूबसूरत दिखने लगेगी। तो इसको जरूर ट्राई करें। अब बात करते हैं दूसरी की। दूसरा जो उपाय है वो आप पपीते से कर सकते हैं। ये डेड स्किन हटाने के लिए बहुत फायदेमंद होता है, चेहरे की त्वचा को तो बिल्कुल चमकदार बना देता है। अब इसके लिए क्या करना है, पका हुआ थोड़ा सा पपीता लेना है। अब इसमें आपको थोड़ा सा ओट्स का पाउडर और थोड़ा सा आप इसमें शहद डाल सकते हैं। यदि आपकी त्वचा बहुत ज्यादा ऑयली है तो आप इसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल लें। उसके बाद इस पेस्ट को आप अपनी त्वचा पे लगा के 5 मिनट छोड़ने के बाद हल्का गीला पानी करने के बाद गीले पानी से आप अपने चेहरे को डाब कर ले और हल्के हाथ से धीरे धीरे सर्कुलर मोशन में इसको घुमाते हुए आपको हटाना है और उसके बाद आपको नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है। एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप डेड स्किन्स को हटाएं तो नीचे की ओर हाथ का मूवमेंट ना करके हाथों का मूवमेंट ऊपर की तरफ रखें, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण आप डेड स्किन सेल्स को हटाने के लिए जो स्क्रब बना सकते हैं वो है संतरे के छिलके का पाउडर। इसके लिए आप मार्केट से भी संतरे का छिलके का पाउडर ले सकते हैं या संतरे को आप सुखा ले और उसके बाद इसे मिक्सर में पीस करके इसे छान ले तो आपका छिलका का जो ये पाउडर होता है संतरे का वो तैयार हो जाता है। अब इस पाउडर को आपको दूध में मिलाकर पेस्ट बना लेना है, फिर इसको अपनी त्वचा पे लगा ले। 5 से 10 मिनट लगाने के बाद सर्कुलर मोशन में घुमाते हुए इसको आप पानी से वॉश कर ले, त्वचा बिल्कुल चमकदार और खूबसूरत देखने लगेगी। इसके अलावा आप एक बहुत विशेष रेमेडी कर सकते हैं, वो होती है ओट मील स्क्रब। देखिए, ओट मील हम खाने में तो बहुत यूज करते हैं, लेकिन ओट्स का प्रयोग आप डेड स्किन को हटाने के लिए कर सकते हैं। इसके लिए आपको ओट्स को ग्राइंड कर लेना है, इसमें शहद मिला देना है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ स्क्रब, ये विशेष रूप से जिन लोगों की स्किन बहुत ड्राई होती है ना, उनके लिए सबसे बेस्ट तरीके से वर्क करता है। आप इसमें थोड़ा सा शहद के साथ साथ नारियल का तेल भी मिला सकते हैं, आप बादाम का तेल या जैतून का तेल मिला लें, आपकी त्वचा। अब बात करेंगे हम पांचवी और आखिरी रेमेडी की, जो हम बहुत इजीली यूज कर सकते हैं। ये रेमेडी
जिन लोगों को मुहासों की समस्या है या ओपन पोर्स की समस्या है या किसी भी प्रकार की जो इनकी स्किन है बहुत सेंसिटिव है वो भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको ग्रीन टी का प्रयोग करना है। ग्रीन टी की जो पत्तियां आती हैं ये त्वचा की सूजन को कम करती है, त्वचा पे यदि आपके मुहासे हो रहे हैं, दाग धब्बे हो रहे हैं, उनको भी कम करती है। इसके अलावा के लिए आपको क्या करना है, ग्रीन टी को थोड़ी देर आपको पानी में मिला के रख देना है। आप इसको पीस भी सकते हैं, ग्राइंड भी कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा शहद मिला लें और इसको चेहरे पे लगाने के 10 मिनट बाद आप धीरे से बहुत हल्के हाथों से स्क्रब करके आप इसे नॉर्मल पानी से वॉश कर लें। इसके बाद आप देखेंगे आपकी त्वचा है वो बहुत ही ज्यादा ग्लोइंग हो जाएगी, मुहासों की और सेंसिटिव स्किन की समस्या से भी आपको निजात मिलेगी। कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, स्क्रब के बाद आपको मॉइस्चराइजर का प्रयोग अपनी स्किन के अनुसार जरूर करें। स्क्रब जब भी करें हल्के हाथों से करें, सर्कुलर मोशन में करें और त्वचा को हमेशा ऊपर की ओर ले जाएं, अर्थात गालों के नीचे, अर्थात गाल से ठोड़ी की तरफ ना लाकर थोड़ी सी या आपकी जॉ लाइन के ऊपर से जाना है आपको गालों की तरफ, जहां आपकी आंखें उस तरफ का मोशन रखेंगे तो ये त्वचा को चमकदार और जवां बनाए रखता है। तो दोस्तों आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो अपने इष्ट मित्रों से शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।